दोस्तों, अगर आप जियो की सिम यूज़ करते हैं और अगर आप जियो का नेटवर्क यूज़ करते हैं, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप जियो के नेटवर्क को यूज़ करके आप अपना कोरोना टेस्ट करा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, जियो ने बेसिकली दरअसल क्या किया है दोस्तों, अगर किसी भी बंदे को अगर कोरोना है या अगर उसको लग रहा है कि उसको खांसी जुकाम है या बुखार वगैरह है या गले में खराश है, तो वो जियो की सिम यूज़ करके पता कर पाएगा कि उसको कोरोना वायरस है कि नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं पूरा बताने वाला हूँ कि आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं टेक्निकल साथी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उसके लिए बस आपको जियो का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जो कि आप प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जियो का प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करके इसको आपको ओपन करना है। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आपको ऊपर ही ऊपर थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है सबसे पहले, और यहाँ पे आपको क्लिक करना है रिलायंस फाउंडेशन COVID-19। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे सबसे पहले ऊपर ही ऊपर एक लिंक आ चुका है जो कि कोरोना वायरस टेस्ट के लिए है। दोस्तों, इसमें अब आपको चार चीज़ें बताएगा, सिम्टम चेकर, दूसरा है टेस्ट सेंटर, तीसरा स्टैटिक, तीसरा फिर एफएक्यू और पांचवा हेल्पलाइन। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है सिम्टम चेकर पे, तो अपन को चेक करना है कि कोरोना वायरस का खतरा हो सकता है या नहीं हो सकता। तो जब सबसे पहले आप जब सिम्टम चेकर पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे पूछेगा फॉर होम यू आर टेकिंग दिस टेस्ट। तो यहाँ पे फॉर योर सेल्फ, अगर आप खुद के लिए टेस्ट लेना चाहते हो तो फॉर योर सेल्फ, अगर आप पेरेंट्स के लिए चेक करना चाहते हो तो पेरेंट्स के लिए, फिर स्पाउस के लिए, चाइल्ड के लिए संभल। तो यहाँ पे फॉर योर सेल्फ चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे फॉर योर सेल्फ पे क्लिक कर दीजिए। व्हाट इज योर जेंडर, आपका जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए, तो यहाँ पे मैं मेल सिलेक्ट कर देता हूँ। व्हाट इज योर एज ग्रुप, तो अगर आपकी जो एज ग्रुप 12 से 50 ईयर्स है तो 2 साल, तो सेकंड ऑप्शन चूज कर लीजिए। 51 से 60 है तो थर्ड ऑप्शन चूज कर लीजिए, और मोर देन इफ 60 है तो फोर्थ ऑप्शन चूज कर लीजिए, और लेस देन 12 है तो फर्स्ट चूज कर लीजिए। तो यहाँ पे 12 से 50 में सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी बोल रहा है डू यू हैव एनी ऑफ दिस हेल्थ कंडीशन, अगर आपको अस्थमा है, अगर आपको डायबिटीज है, अगर आपको हार्ट डिसीज है, अगर आपको प्रेगनेंसी, अगर आपको इसमें से कोई सी वो ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं लास्ट ऑप्शन नन ऑफ द अबव सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी बोल रहा है हैव यू और समवन इन योर फैमिली विजिटेड एनी ऑफ द बिलो कंट्रीज, अगर आपकी कोई, अगर आप या आपकी कंट्रीज, आपकी फैमिली के अंदर कोई दूसरी कंट्री के अंदर विजिट किया है रिसेंटली, चाइना में, स्पेन में, इटली में, जापान में, यूरोप में, तो वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर नहीं गया तो लास्ट ऑप्शन नन ऑफ द अबव सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अभी बोला हैव यू और समवन इन योर फैमिली ट्रैवल विद इन इंडिया इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड केम इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद समवन विद कफ कोल्ड, अगर आपकी या आपकी फैमिली के अंदर कोई भी बंदा अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि बस, ट्रेन इत्यादि के अंदर अगर किसी ने रिसेंटली अगर ट्रैवल किया है और वो किसी बुखार वाले व्यक्ति के पास में या जिस व्यक्ति को कफ हो रहा है या कोल्ड हो रहा है उस व्यक्ति के पास में गया है, तो लास्ट 14 डेज के अंदर, तो ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। अगर यस है तो यस सेलेक्ट कीजिए, नो है तो नो सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं नो सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी बोले हैव यू और समवन इन योर फैमिली कम इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद कोरोना, किसी अगर आपका आप या आपकी फैमिली का कोई सदस्य कोविड कोरोना वायरस वाले के बंदे के आसपास है, तो यस कर लीजिए। नहीं के मतलब कॉन्टैक्ट में आया है रिसेंटली, तो यस पे सेलेक्ट कर लीजिए, और नहीं आया तो नो पे सेलेक्ट कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे नो पे सेलेक्ट कर देता हूँ। अगर आपको फीवर है, डू यू हैव ए फीवर, तो नो कर लीजिए। डू यू हैव हेडेक, सिर में दर्द है, तो नो कर दीजिए। डू यू हैव कफ, तो नो कर दीजिए। ठीक है, तो डू यू हैव ए कोल्ड, तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो आपको जो भी लग रहा है, अगर आपको फीवर है तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। ऐसे हिसाब से आप अपने ये जो है ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन मैं यहाँ पे भर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने कर दिया डू यू हैव कोरोना वायरस इन वॉइस, अगर आपको वॉइस में कोई दिक्कत है तो यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं रिस्क ऑफ COVID-19, यहाँ पे लो रिस्क यहाँ पे बता दिया यहाँ पे, और यहाँ पे रिकमेंडेशन भी देखा यहाँ पे कि प्रैक्टिस पर्सनल हाइजीन एज प्रेजेंट, अवॉइड पब्लिक एक्टिविटी, बाहर जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उसको अवॉइड कीजिए, बाहर जाना अवॉइड कीजिए किसी भी ट्रांसपोर्ट में, और उसके लिए घर पे रहें, घर पे इलाज, घर पे आसानी से जो है हैंड वॉश करें और सैनिटाइज वगैरह से हाथ धोएं बार बार। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरा रिपोर्ट आ चुका है। यहाँ पे आप अपने रिपोर्ट चेक कर सकते हो, यहाँ पे लास्ट में आप चेक कर सकते हो कि आपका लो रिस्क है या नॉर्मल रिस्क है या हाई रिस्क है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से जियो ने अपने सभी ग्राहकों के लिए ये वाला एक नया फीचर दिया है, जिससे आप अपने COVID-19 की जो है और कोरोना वायरस की डिजीज़ के बारे में चेक कर पाओगे। और अगर आपको इसके बारे में कोई हेल्पलाइन नंबर है, तो हेल्पलाइन नंबर दोस्तों जियो ने लास्ट में दी हुई है, तो यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर आप देख सकते हो नीचे नेशनल एंड स्टेट हेल्पलाइन नंबर, इन हेल्पलाइन नंबर से आप कॉल कर सकते हैं अपने जियो के नंबर से या किसी दूसरे नंबर से, अगर आप जिस भी सिटी में, जिस भी स्टेट में, यहाँ पे आप अपना स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए और हेल्पलाइन नंबर COVID-19 के कोरोना वायरस के हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ, और किसी भी चीज़ में समझते हो नीचे कमेंट कर दीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बोलते रहना हमारे शंभू जवलना।